रोहित कह रहे हैं सर कल तो 11 बजे बजट है, कल हमारी क्लास होगी या नहीं होगी? और सर क्या आप उम्मीद करते हो कल बजट में क्या चेंजेस आने चाहिए टैक्सेशन में? मेरे पापा पूछ रहे हैं। ओ माय गॉड रोहित, पहले तो कल क्लास होगी भाई, कोई छुट्टी नहीं है। और क्या क्या चेंजेस आने चाहिए टैक्सेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से? वैसे शाम को ना मुझे वीडियो बना के डालनी थी, बट चलो अब आपने पूछ लिया, अब अंकल जी ने पूछ लिया तो मैं बता देता हूँ। मैंने कुछ चेंजेस लिखे हैं जो एक कॉमन मैन उम्मीद कर सकता है कि चेंजेस आने चाहिए। देखो चेंजेस क्या होंगे वो तो कल जब 1 बजे डब्बा खुलेगा ना, मतलब श्रीमती निर्मला सीतारमण जी जब अपना वो बैग लेके आएंगी, उसके अंदर क्या क्या उनके गिफ्ट होंगे वो तो मैं कुछ कह नहीं सकता, पर एक कॉमन मैन क्या उम्मीद करता है? देखो अगर कॉमन मैन की बात करूँ वो तो उम्मीद करता है कि सर एग्जम्पशन लिमिट बढ़ा दो, रिबेट बढ़ा दो, हमारा टैक्स आए ना टैक्स 0/0। देखो वो तो पॉसिबल नहीं है, बड़ा कुछ चेंजेस ऐसे हैं जो गवर्नमेंट को जरूर रीलुक करने चाहिए। अब आपको ना पता नहीं होगा क्योंकि अभी ना हमारी क्लासेस पूरी नहीं हुई हैं, तो कुछ बातें मैं बोलूँगा आपको समझ में आएंगी, कुछ बातें बोलूँगा जो आपकी ऊपर से निकल जाएंगी, ठीक है? बट हाँ, जो बच्चे यूट्यूब पे भी इस वीडियो को देखेंगे, मे बी उन्होंने अगर पहले टैक्स पढ़ा होगा तो शायद उनको समझ में आ जाएगा। अब जो चेंजेस मैं थोड़े से ना मैंने लिखे हैं, मैं चाहता हूँ कि मैं आपको दिखाऊँ और आपके फादर भी देखें और मतलब सभी लोग देखेंगे कि कॉमन मैन क्या उम्मीद कर सकता है कल के बजट से, भाई क्या क्या चेंजेस गवर्नमेंट को देखने चाहिए या गवर्नमेंट को रीलुक करने चाहिए। अब मेरे अकॉर्डिंग जो चेंजेस हैं सर, मतलब मैं जो अपने एक्सपेक्टेशन की बात करूं, देखो सबसे पहले एक्सपेक्टेशन जो एक कॉमन मैन उम्मीद कर रहे हैं ना, मतलब काफ़ी टाइम से एक डिडक्शन होती है 80C, शायद कुछ बच्चों को पता होगा जो पुराने बच्चे होंगे, 80C में काफ़ी सारी इन्वेस्टमेंट होती हैं, उन सारी इन्वेस्टमेंट को करके 1.5 लाख रुपये की लिमिट मिलती है, और वो मेरे ख्याल से 2014-15 में चेंज हुई थी, उसके बाद इन्होंने चेंज ही नहीं किया। तो मेरा सबसे पहले एक्सपेक्टेशन ये है कि उस लिमिट में चेंज आना चाहिए। देखो मैंने यहाँ पे लिखा भी है कि सेक्शन 80C की लिमिट इन्हेंस करनी चाहिए, इंक्रीज़ करनी चाहिए, चाहे वो 2.5 लाख की करें, 3 लाख की करें या 2 लाख की करें, वो नहीं मुझे पता कितनी होगी, बट हाँ नीड है इस लिमिट को इंक्रीज़ करने की। रीज़न बिंग क्योंकि बहुत सारी इन्वेस्टमेंट हैं सर, अब अगर इतनी सारी इन्वेस्टमेंट करके 1.5 लाख रुपये की लिमिट मिलेगी, वो लिमिट मेरे अकॉर्डिंग कम है, तो शायद गवर्नमेंट कल इसको इंक्रीज करे। मैं ये नहीं कह रहा इंक्रीज हो चुकी है नालायकों, सिर्फ एक्सपेक्टेशन है, ठीक है ना? तो एक तो ये लिमिट अंकल जी इंक्रीज होनी चाहिए कल के बजट में, उम्मीद करते हैं इस लिमिट को इंक्रीज करेंगे, ठीक है? बाकी देखते हैं कल क्या होगा। एंड सेकंड जो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि 80D जो हमारा होता है मेडिकल इंश्योरेंस का, क्योंकि देखो कोविड के अंदर, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि कल जो बजट आएगा ना उसमें कोविड के अंदर काफ़ी सारे खर्चे हुए हैं लोगों के, तो शायद उन मेडिकल एक्सपेंडिचर का बेनिफिट गवर्नमेंट अलग से दे। और हेल्थ इंश्योरेंस कईयों का था, उनकी लिमिट क्रॉस हो गई थी, तो शायद वो हेल्थ इंश्योरेंस की लिमिट इंक्रीज कर दे। आपको मैं भी पता हो कि 80D में हेल्थ इंश्योरेंस की भी होती है और मेडिकल एक्सपेंडिचर की भी होती है जिनका इंश्योरेंस नहीं होता, तो मुझे उम्मीद है कि कल के बजट में शायद वो इसको रीलुक करेंगे, शायद वो इसको चेक करेंगे, इसकी लिमिट को इंक्रीज मेरे अकॉर्डिंग करना चाहिए 80D की लिमिट को। वैसे अभी लिमिट कितनी है, 25,000 नॉर्मल है, 50,000 पे सीनियर सिटीजन के लिए, और मेडिकल एक्सपेंडिचर की भी 50,000 है, तो उम्मीद है कल के बजट में कोविड की वजह से इस लिमिट को इंक्रीज करना चाहिए, और उम्मीद है गवर्नमेंट इस लिमिट को इंक्रीज करेगी। तो सेकंड जो एक्सपेक्टेशन है वो 80D की लिमिट की है। बाकी तीसरी एक्सपेक्टेशन जो है, जो इंडिविजुअल के केस में ना हायर सरचार्ज जो 25% और 37% है, शायद उस केस में गवर्नमेंट कुछ एग्जम्पशन दे दे इंडिविजुअल को, जैसे अभी आपको पता हो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और डिविडेंड की इनकम पे 15% तक ही लगता है, तो मे बी कुछ इनकम और गवर्नमेंट शायद स्पेसिफाई कर दे या कुछ इंडिविजुअल को यहाँ से बाहर निकाल दे, कि क्योंकि 25% एंड 37% बहुत हाईएस्ट सरचार्ज है सर, जो कंपनी के ऊपर भी नहीं है। तो मुझे ऐसी उम्मीद है कि गवर्नमेंट शायद कुछ चेंजेस यहाँ पे लेके आ सकती है, कि मतलब 25 और 37 में मे बी कुछ गवर्नमेंट एग्जम्पशन दे सकती है कल के बजट में। उसके बाद एक एक्सपेक्टेशन है कि जो आपके सैलरी क्लास में एम्प्लॉय को स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलती है, रोहित अगर आपके फादर साहब सैलरी क्लास पर्सन हैं तो मे बी उनको पता होगा कि 50,000 रुपये का ना बेनिफिट मिलता है स्टैंडर्ड डिडक्शन। पहले लिमिट 40,000 रुपये की थी, फिर गवर्नमेंट इंक्रीज कर दी 50,000 रुपये की, तो शायद कल इस लिमिट को वो दोबारा से इंक्रीज कर दे, मे बी वो 75,000 करें या 1 लाख करें, उसका मुझे आइडिया नहीं है। ये सिर्फ एक्सपेक्टेशन है, मतलब एक पर्सन क्या उम्मीद कर सकता है कल के बजट से टैक्सेशन के अंदर। देखो टैक्स तो काफ़ी सारा है, चेंजेस तो काफ़ी सारे होंगे, बट मैंने एक कॉमन मैन क्या उम्मीद कर सकता है, मतलब एक सैलरी क्लास हो गया, बिजनेस क्लास हो गया, तो नॉर्मल इंसान क्या उम्मीद करेगा उसकी बातचीत कर रहा हूँ जी, ठीक है जी? तो सैलरी में उम्मीद है कि स्टैंडर्ड डिडक्शन जो है वो 50,000 से इंक्रीज होनी चाहिए।
उसके बाद आप सब जानते हो 2 साल से वर्क फ्रॉम होम चल रहे जी। अब वर्क फ्रॉम होम में काफ़ी सारे खर्चे एम्प्लॉयज़ ने किए हैं, चाहे वो वाईफाई का हो, इलेक्ट्रिसिटी पूरा दिन चलती रहती है, बिजली पूरा दिन चलती रहती है। अब काफ़ी सारी कंपनीज में वो अलाउंसेस मिलते हैं, काफ़ी सारी कंपनीज में अलाउंसेस नहीं देती। तो उम्मीद है कि गवर्नमेंट शायद एक लो ही फ्रेम कर दे वर्क फ्रॉम होम एक्सपेंडिचर के लिए, कि ये अलाउंसेस या ये बेनिफिट जो है इनको मिलेंगे ही मिलेंगे और इतनी लिमिट उनको एग्जम्प्ट होगी। तो मुझे उम्मीद है कि गवर्नमेंट कल के बजट में, श्रीमती निर्मला सीतारमण जी कल के बजट में वर्क फ्रॉम होम एक्सपेंडिचर के लिए कुछ वो लेके आएंगी और प्रमोट करेंगी सर वर्क फ्रॉम होम को। क्योंकि यार बहुत सारी कंपनी ना, मैं सही बता रहा हूँ सर, बहुत सारी कंपनी खुश है इससे और गवर्नमेंट भी खुश है। क्योंकि देखो काम डबल हो रहा है घर में बैठ के, ये मत सोचना कि काम नहीं होता भाई साहब। मतलब कंपनी वाले, सही बताऊँ तो मैं क्या बोलूँ सर, मत पूछो मेरे से। मतलब कहने की टाइमिंग है 5 से 6 बजे, वो 7 बजे भी काम करवाएंगे, 8 बजे भी काम करवाएंगे और काफ़ी सारे खर्चे को पूरा दिन। ऑब्वियसली बात है, अगर वो कंपनी में जाता है कंपनी की इलेक्ट्रिसिटी लगती, ठीक है, ट्रैवलिंग खर्च कॉस्ट कई बार कंपनी बियर करती है, वाईफाई कंपनी का होता है, बट घर में कई बार वो मिलता ही नहीं एक्सपेंडिचर। तो उम्मीद है मुझे वर्क फ्रॉम होम को, और वैसे भी सर आपको पता ही है आजकल कि डिजिटल इंडिया को कितना प्रमोट कर रहे हैं कि भैया तुम घर बैठ के काम करो, जब घर में काम चल रहा है तुम्हें ट्रैवलिंग करने की क्या रिक्वायरमेंट है। तो मुझे उम्मीद है कि कल के बजट में वर्क फ्रॉम होम एक्सपेंडिचर पे गवर्नमेंट कुछ ना कुछ जरूर लेके आएगी और इसको प्रमोट करेगी। बाकी कंफर्म नहीं है, देखते हैं कल के बजट में कल क्या बॉक्स खुलेगा, क्या गिफ्ट खुलेगा। बट हाँ, वर्क फ्रॉम होम एक्सपेंडिचर मेरे अकॉर्डिंग कल उसके लिए कुछ ना कुछ बेनिफिट्स गवर्नमेंट जरूर लेके आएगी। उसके बाद एक 35(2)(a) भी जो आपने PGP के अंदर पढ़ा होगा, इन हाउस रिसर्च का, जो गवर्नमेंट ने लिमिट कम करके ना 100% कर दी थी। और मैंने क्लास के अंदर भी कहा था कि वो लिमिट 100% गवर्नमेंट को ना करनी नहीं चाहिए, क्योंकि रीजन बिंग क्या, उससे कंपनी डिस्करेज होंगी जो इन हाउस रिसर्च करनी है। भाई ऑब्वियस है, बात है, उधर से मोदी साहब कह रहे हैं मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंडअप इंडिया। अब जो लोग इंडिया में रिसर्च कर रहे हैं उनके खर्चे की आप डिडक्शन 100% दे रहे हो, जो पहले 200% थी, तो शायद वो उस लिमिट को दोबारा से या तो 150 या 200% तक लेके जा सकते हैं, ताकि कंपनी को प्रमोट करें और कंपनी इन हाउस रिसर्च करती रहे जी, ठीक है जी। उसके बाद कॉरपोरेट टैक्स रेट मेरे अकॉर्डिंग शायद कम करेंगे, 30% से 25% लेकर आ चुके हैं अब, शायद वो वैसे 22% भी है, 15% भी है, तो शायद उसके अंदर कुछ चेंजेस होने की उम्मीद है दोबारा से। क्योंकि ऑब्वियस पता है कंपनी, मतलब गवर्नमेंट स्टार्टअप कंपनी को प्रमोट कर रही है। और कई बच्चे कह रहे हैं सर इंडिविजुअल में टैक्स रेट नहीं बढ़ेंगे क्या, एग्जम्पशन नहीं बढ़ेंगे, सर वो उम्मीद मुझे नहीं है। देखो अगर मैं झूठी तसल्ली आपको दे दूं, वैसे कल तो बजट आ ही जाएगा, कल तो मतलब खुल ही जाएगा सब कुछ जो खुलना है, बट मुझे उम्मीद नहीं है कि गवर्नमेंट स्लैब रेट इंक्रीज करेगी, मुझे उम्मीद नहीं है कि गवर्नमेंट रिबेट बढ़ाएगी। तो क्योंकि गवर्नमेंट ने ऑलरेडी 2 स्कीम निकाली हुई, हाँ कुछ चेंजेस गवर्नमेंट, देखो मैंने लिखा है कुछ चेंजेस गवर्नमेंट कर सकती है 115BAC के अंदर, जो भी नई स्कीम इंडिविजुअल और HUF के लिए आई है, कुछ चेंजेस में भी गवर्नमेंट उसमें कर सकती है। मे बी गवर्नमेंट रिबेट, मतलब अभी 5 लाख की लिमिट है, शायद वो 7.5 लाख कर दे, या वो 7 लाख कर दे, या रिबेट थोड़ी सी इंक्रीज कर दे। तो मतलब स्लैब रेट मुझे नहीं लगता स्लैब रेट में चेंजेस होंगे, क्योंकि कम स्लैब रेट उन्होंने 115BAC में दे दिए, ठीक है ना। तो मेरे को, मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि मेरी एक्सपेक्टेशन क्या है, क्योंकि बच्चे ने क्वेश्चन पूछा तो मैंने कहा चलो मैं अपनी एक्सपेक्टेशन बताता हूँ, जो मुझे वैसे शाम को यूट्यूब पे वीडियो बना के डालनी है। मेरी एक्सपेक्टेशन क्या है कि मेरे अकॉर्डिंग जो चेंजेस बनते हैं कि यहाँ तो जरूर आने चाहिए जी, ठीक है। बाकी बहुत सारे चेंजेस होंगे, उसको डिटेल में एनालाइज करेंगे कल के बजट के बाद एक एक पॉइंट को, और मैं हर बार वीडियो बना के डालता हूँ तो इस बार भी डालूंगा, तो उसके बाद से तो बाद में करेंगे। मेन और ये एक्सपेक्टेशन, हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं जी, ठीक है जी। तो कॉरपोरेट टैक्स रेट में चेंजेस की उम्मीद है, और बाकी 115BAC में कुछ चेंजेस की उम्मीद है, और बाकी जो नए स्टार्टअप्स हैं, आप समझ रहे हो शार्क टेक इंडिया, आपको मैंने पहले भी कहा था शार्क टेक इंडिया के अंदर जो नए नए स्टार्टअप्स आ रहे हैं, और गवर्नमेंट वैसे ही, BJP गवर्नमेंट तो इतना प्रमोट करती है स्टार्टअप को, बिजनेसमैन को, मतलब स्टार्टअप्स को, कि मेनली आप इंडिया में यहाँ पर हो, ठीक है जी। तो शायद बहुत सारे बेनिफिट हो सकता है कि स्टार्टअप के लिए लेके आएँ, टैक्स एग्जम्पशंस लेके आएँ, टैक्स हॉलीडे लेके आएँ। तो मेजर चेंजेस जो मुझे टैक्स में लग रहे हैं वो ये चेंजेस हैं जी। बाकी अलग अलग सेक्शन में तो देखो चेंजेस आएंगे ही आएंगे, तो मैं हर सेक्शन की बात नहीं कर रहा, बट एक कॉमन मैन के पॉइंट ऑफ व्यू से आप उम्मीद कर सकते हो कि 80C की लिमिट इंक्रीज़ होनी चाहिए, 80D की लिमिट इंक्रीज़ होनी चाहिए, उसके बाद डिडक्शंस में थोड़े बहुत चेंजेस और भी बन सकते हैं, बट 80C और 80D तो मेन है सर, ठीक है, 80C और 80D तो मेन है। उसके बाद आपका स्टैंडर्ड डिडक्शन इंक्रीज़ होनी चाहिए, सरचार्ज कुछ केस में शायद वो कम कर दें गवर्नमेंट, और बाकी वर्क फ्रॉम होम अलाउंसेस और कुछ बेनिफिट्स उसके आने चाहिए, और बाकी 35(2)(a) भी हो गया, कॉरपोरेट टैक्स हो गया जी। मतलब ये चेंजेस जो मेजर मेजर हैं मेरे अकॉर्डिंग, इसमें थोड़े बहुत चेंजेस बनते हैं, ठीक है रोहित। बाकी अब कल क्लास होगी, कल तो मुलाकात करेंगे करेंगे,
चलो तो बस ये चेंजेस जो हैं मुझे उम्मीद है कल के बजट में आने चाहिए। बाकी देखते हैं, कल का बजट 11 बजे देखेंगे और उसकी एक एक पॉइंट को हम डिस्कस करेंगे और मस्त एंजॉय करेंगे और समझेंगे। वैसे वो बजट ना तो जून में एप्लीकेबल है ना वो दिसंबर में एप्लीकेबल है, वो बजट जून 23 वालों के लिए एप्लीकेबल होगा। बट ऑब्वियस सी बात है, हमें पता होना चाहिए कि बजट में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, इसलिए सबको बजट सुनना जरूरी है। ठीक है नहीं, सारे बजट जरूर सुनेंगे, 100% सुनना है, चाहे समझ में आए या ना आए, फिर भी आपको पता होना चाहिए कि बजट में क्या क्या बातें बोली जाती हैं। ठीक है नहीं, चलो तो चलें आगे चलें नहीं, चलो जी। ठीक है अंकल जी, ओके अंकल करे, ओ माई गॉड, मज़ा आ गया बेटे, मज़ा आ गया। चलो जी इधर देखो ध्यान से, अब इधर देखना ध्यान से जी। अब यहाँ पे एक बार चेक करो, अब जो भी हम सेक्शन 16 यहाँ पे कर रहे थे और 29 जो रजिस्ट्रेशन का है उसके हम लिंकिंग कर रहे थे, अब यहाँ थोड़ा सा आगे चलते हैं जी।